हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विद अन। मैं हूं गार्गी। कैसे हैं आप सब गाइस? आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं झंड जी की न्यू वीडियो, जो कि है मिलल मेहरिया। तो राकेश मिश्रा भोजपुरी रोस्ट विद झंड जी। तो देखते हैं यार इस बार कैसी भसड़ मचाई है झंड जी ने। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे कि आज भोजपुरी में क्या रोस्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नया तकिया नया मिलल मेहरिया हो। धरती, ये मेहरिया तकिया भी होती है क्या? साले मुझे क्या पता, तेरी है तू बता। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नया मेहरिया का क्या मतलब, मेहरिया भी सेकंड हैंड होती है क्या? बताओ, दिन दहाड़े सोटा न कहने के बाद भी बंदा इतना सुस्त पड़ा है। वो डिस्चार्ज हो गया है, उसको चार्ज करना पड़ेगा। कैसे चार्ज हो गए? रुक अभी करता हूँ। ये तो बहुत जल्दी चार्ज हो गया बे। हाँ, ये 11,000 वाट का फास्ट चार्जर है। ऐसे तो ज्यादा नहीं हो गया। नहीं मतलब इतना देर से मेघा की तरह मुंह बनाकर खड़े थे और बदन से साड़ी हटते ही घोड़े की तरह कूद के पहुंच गए। मैं यहाँ में पिघल गया। हर छानो भरा हटे लता पाला लागे सरी। बड़ी आग लगी है भाई। तो फायर ब्रिगेड बुलाऊं? साले फायर ब्रिगेड से आग बुझेगी? नहीं, ये आग तो बुझाने के लिए मजदूर लगेंगे। तो जॉनी सिंस को बुलाऊं? तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि भैया गेम खेलते खेलते थक जाओगे, पर बिंजो पर गेम खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर है क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर और सीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम। जैसी स्किल्स वैसी गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवार्ड और डायरेक्ट विड्रॉ करो अपने बैंक UPI या पेटीएम में। और सिर्फ गेम नहीं, शॉपिंग भी करो। बिंजो स्टोर पर मिलते हैं असफाल्ट, माइनक्राफ्ट और फ्री फायर की करेंसीज, वो भी सबसे सस्ते दाम पर। और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज बिंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवार्ड रोजाना। और 10 दिन तक लगातार स्पिन स्ट्रिकर बनाकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट अप टू 25 लाख। अब बिंजो पर इतना कुछ है और क्या बताऊं। बिंजो डाउनलोड करो और खुद ही एक्सपीरियंस करो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फट से जाओ डाउनलोड करो, खेलो, जीतो और ऐश करो। तो का हाल है? ठीक है दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे भोजपुरी के इमरान हाशमी के बारे में। है? नहीं समझे? नहीं, समझाता हूँ। हेलो हेलो, क्या देख रहे हो भाई? अरे मैं इसकी बात कर रहा हूँ यार, गजब इंसान हो यार तुम लोग, कुछ भी देखने लगते हो। बहुत बदतमीज है ये लोग। तो चलो ना यार, राजा को भेज के बहरिया, रहरिया में कमरिया हिलाने का शुरू करते हैं सफर। स्टार्ट करते हैं झंड जी का नया भसड़। जैसे जैसे कहबा वो सही हम करब। हाँ तो चलो खेत में गोबर फेंकने जाना है। पहले ही रात सब मान ले बात। काहे, रात वाला धंधा है क्या? नहीं, बात तो दिन में भी माना जा सकता है ना, तो रात में मनवाने का क्या मतलब? साले उसकी मर्जी, चाहे वो रात में माने या दिन में, तुझे क्या? तो एक बार मेरे लिए भी मनवा दे। तेरे लिए क्या मनवा दूँ बे? अरे वही ही खेत में गोबर फेंकने के लिए। अच्छा, इतना बड़ा लड़का पहली बार देखे हैं?
मैडम, जो लड़का होता है ना उसे बताना नहीं पड़ता है, ठीक है, देखकर ही पता चल जाता है। क्या देखकर पता चलता है? देखो मैडम, आपने कहा कि हम लड़का बानी, ये बात तो हम अपने सीने पर कछुआ कुदा के किसी भी तरह से मान भी लेंगे, ठीक है, मगर अभी जो आपने कहा है ना, कुछ हाँ ये बात तो आप गटर के चुल्लू भर पानी में डूब कर भी बोलो ना, तो भी हम नहीं मानेंगे। लेकिन साले, इतनी बड़ी औरत चुल्लू भर पानी में डूबेगी कैसे? अभी अभी तो उसने कहा कि हम लड़का बानी, तो इतनी बड़ी औरत कहाँ से हो गई? बात तो सही है। ओठलाली काट काट के, ओठलाली काट काट के, अरे मैंने ओठलाली है वो, कोई बर्थडे का केक थोड़ी ना है। सही पकड़ा। ओठलाली कैसे काटेगा? पूछ ले, सिर्फ ओठलाली ही काटना है या फिर ओठलाली के साथ ओठ भी काटना है? नहीं, मेरे पास लकड़ी काटने वाली ग्राइंडर मशीन है, चाहिए तो बोलना। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ की औरत भी इतना भयंकर आवाज में गाना गाती है। सोचो, इस इंडस्ट्री में औरतों की आवाज इतनी भयंकर है तो मर्दों की कैसी होगी? ये देखो, मैडम का मुंह कहाँ है और कैमरे का एंगल कहाँ है? अबे साले, अरे क्या लेना चाहते हो भैया? लेना चाहते हो? मेरा मतलब, किस सामान का शॉट लेना चाहते हो? बड़े हरामी हो बेटा। मैंने कहा था ना, ये कैमरामैन साले बड़े हरामी होते हैं। चुप बे चूतिया साले। अब तुझे नहीं बोल रहा हूँ, ये देख। अरे भाई, इरादे क्या है तेरे? इतना नीचे से क्या देखना चाहता है? जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो जाट के बाल में। वैसे कैमरामैन चाहे जैसा भी हो, मजा तो मैडम को भी आ ही रहा है। और मैडम काफी अमीर भी लग रही हैं, मजे लेने के लिए भाड़े पर कैमरामैन रखी हैं। नया बाजवानी जब ले मिली इन भाई, नया बा जवानी जब ले मिली निभाई, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब कि जवानी जब तक नया है तब तक ही निभाएंगे, उसके बाद उठा के घूर फेंकवाएंगे। हेलो, सुन रही हो ना? बहिर है वो। अगर वो सुन पाती तो समझ नहीं पाती कि जब तक जवानी नया है तब तक ही निभाओगे, उसके बाद तो गोबर का चिपर ही पथवाओगे। कुछ दिन खातिर परचा में रहो। देखो, अभी भी वो सिर्फ कुछ ही दिन की बात कर रहा है, उसके बाद गोबर का चिपरिया पथवाएगा। भले कुछ दिन खातिर परचा में रहो। तो भलाई इसी में है, लंगोट को संभालो, कुत्ते पर बैठो, कान ऐठो और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागो। भाई वो तो सही में बात। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बहुत कम हो रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कौन सा पैसा लगने वाला है। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, अगर आप चाहो तो वहां हमको फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यार, ये थी वीडियो और बहुत ही प्यारा रोस्ट था। मतलब झंड जी का रोस्ट तो एक अलग ही लेवल होता है यार, बहुत ही अच्छा रोस्ट किया था इन्होंने। भोजपुरी जो लिरिक्स है ना, मतलब पवन सर, खेसारी सर, जो गिने चुने एक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा उसमें रोल निभा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बट कुछ न्यू करेक्टर हैं जो न्यू आ रहे हैं, मतलब न्यू आर्टिस्ट हैं जो आ रहे हैं आजकल, तो उनको इस टाइप के सॉन्ग्स दिए जाते हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन होता भी नहीं है उनको करने के अलावा। तो यार, आई रिक्वेस्ट कि इस टाइप के लिरिक्स बनाना थोड़ा कम कीजिए, ताकि
वैसे यार बनाना कम करेंगे तो झंडियो और जो क्रेजी नंबर वन है वो रोस्ट कैसे करेंगे, तो यार बट बच्चों की सेफ्टी के लिए तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड ही करें। आप लिरिक्स में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, लिरिक्स में नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आर्टिस्ट हैं उसमें उनको बोलिए थोड़ा सा ये जो कपल सीन है या फिर जो बेड सीन्स है वो थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर जो स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है ना यार वो कीजिए जो रिक्वायर्ड है, सही में रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे कुछ भी करें जा रहे हैं, या हर गाना यार वल्गर अच्छा नहीं लगता है, जिस हिसाब से गाना है उसी हिसाब से अच्छा लगता है। तो आई होप आप सबने वीडियो इन्जॉय की हो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।